हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बंधु, आपका भाई, आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका गुरु सैयद गुप्ता। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं जो आपको पढ़ा रहा था दोस्तों, वो ये पढ़ा रहा था कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दोस्तों, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था लेंथेस्ट साइज ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। दोस्तों लास्ट वीडियो में था यार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों हमें वीडियो को दोस्तों बीच में ही रोकना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे छूट गया था दोस्तों, मैं अगले पार्ट में उसे कवर करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आपको पढ़ा था लेंथियस्ट साइज ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया था जो भारत का संविधान है वह दोस्तों लेंथियस्ट है बाकी सारे मॉडर्न और ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके पीछे मैंने आपको दो कारण बताए थे। पहले आपको बताया था पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी, मैंने आपको बताया था हम भारत में 130 करोड़ लोग रहते हैं। अब 130 करोड़ लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन है, तो सबकी अलग अलग एक्सप्रेशन को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, अब आप मान लीजिए किसी देश के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और फिर पॉपुलेशन भी है, तो हमें चाहिए कि हम किसी भी, अगर हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है तो हमें चाहिए कि हम जितने भी वहां पे रहने वाले रिलीजन है, जितने भी वहां पे रहने वाले सेक्ट हैं, हम सबके सबको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगा दें, जिससे कि किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसको ऐसा ना लगे कि इसमें मेजोरिटी को तो जगह है लेकिन माइनॉरिटी को जगह नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो मैंने आपको बताया पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी के आधार पे, आप डाइवर्सिटी के आधार पे देखो कितना बड़ा कॉज बनता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेंथिस्ट होने के पीछे। हम यार लैंग्वेज में हम लोग बहुत डाइवर्स हैं, कल्चर में हम लोग बहुत डाइवर्स हैं, इवन हम लोग नीड्स में तक बहुत डाइवर्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला रीजन मैंने आपको ये बताया। दूसरा दोस्तों बताया हैवी बोरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। यहां मैंने आपको दोस्तों बताया कि बहुत सारे एक्ट आए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुए और वो सीधे इन्फोर्स किए गए इंडिया के ऊपर, तो वहां पे दोस्तों जो एक एक्ट था GOI 1935, वहां से दोस्तों हमने क्या लिया, हमने लिया दोस्तों वहां से बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, जैसे कि दोस्तों हमने लिया वहां से तीन लिस्टों के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, तीन नहीं दो लिस्टों के लिए, तीसरी जो कंक्रेंट लिस्ट है दोस्तों उसे हमने अडॉप्ट किया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों हमने जुडिशियल सिस्टम भी वहां से लिया है, गवर्नेंस सिस्टम भी दोस्तों वहां से लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी दोस्तों हमने वहां से लिया है, तो दोस्तों बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है दोस्तों वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि एक कारण और इसका जो सब पार्ट हो सकता है, जो रीजन का जो सब रीजन हो सकता है दोस्तों, वो ये है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, इसे हमने दोस्तों बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद बनाया है, और ऐसा इसलिए किया है दोस्तों ताकि हमें अच्छे से अनुभव हो जाए कि हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। तो जो हमारे दोस्तों जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने दोस्तों संविधान को बनाने के लिए कई सारे संविधानों की स्टडी की और अलग अलग संविधान से दोस्तों अलग अलग चीजें ली। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे संविधान के लेंथियस्ट होने के पीछे। तीसरा दोस्तों जो रीजन है, जो रीजन है दोस्तों वो ये है दोस्तों, सेवरल अमेंडमेंट। दोस्तों क्या है, हमारे भारत में दोस्तों लोगों के वेलफेयर के लिए समय समय पर अगला मैंने दोस्तों आपको क्या बताया दोस्तों कि जो सेवरल अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है, अब सेवरल अमेंडमेंट काहे को हुए, क्यों हुए, तो दोस्तों वो हुए वेलफेयर के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हमें लगा कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी लॉ इरिलेवेंट है आज के टाइम के अनुसार, इससे लोगों का भला नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों हमने क्या किए, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए। दोस्तों यह भी एक रीजन है जिससे कि हमारे भारत का जो संविधान है वह इतना ज्यादा लंबा और चौड़ा हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको समझाया कि हमारे भारत का संविधान क्यों इतना लंबा और चौड़ा हुआ। दूसरा दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा दोस्तों, वह पढ़ाऊंगा दोस्तों कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, एक समन्वय है फ्लेक्सिबिलिटी का और दोस्तों रिलेटिविटी का। ठीक है दोस्तों, क्या है देखो समझाता हूं एक बार, इसे पहले एक बार रेस कर दूं। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिस दूसरे फीचर्स पे मैं आपके साथ बात करूंगा विशेषता पे दोस्तों वह होगा दोस्तों ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों मैं अगर इसे हिंदी में लिखूं तो दोस्तों मैं इसे लिखूंगा नियमितता एवं अनियमितता का समन्वय। ठीक है दोस्तों इंग्लिश में दोस्तों कहूंगा तो कहूंगा दोस्तों ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब दोस्तों मेरे साथ एक बात को समझिए कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह ना तो दोस्तों बहुत ज्यादा रिजिड है और ना दोस्तों बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है दोस्तों यानी वो कैसा है इन दोनों का ब्लेंड है यानी कि दोस्तों वो क्या है इन दोनों का समन्वय है। ठीक है दोस्तों अब किस तरीके से देखो अगर हमें किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ये बताना है कि वह फ्लेक्सिबल है या रिजिड है तो दोस्तों ये हम बता सकते हैं यह देखकर कि उस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसका प्रोसीजर क्या है। मैं एक बार फिर से बोलता हूं दोस्तों अगर हमें यह पता करना है कि किसी भी देश का जो संविधान है वह फ्लेक्सिबल ज्यादा है या हिंदी में कहूं तो लचीला है या दोस्तों कठोर है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। हमें अगर किसी भी देश के संविधान को यह पता करना है कि यह लचीला संविधान है या कठोर संविधान है तो हमें यह देखना पड़ता है कि हम उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किस प्रोसीजर से कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों अब देखिए अगर हम उस देश के संविधान को कठोर संविधान तब कहेंगे जब हम लोग जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों उसे करने के लिए दोस्तों हमें 2/3 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा आपको अभी नहीं पता होंगे लेकिन मैं बता देता हूं दोस्तों पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं दोस्तों जिनका काम होता है दोस्तों विधि बनाना या फिर कानून बनाना। ठीक है विधि का निर्माण करना। तो दोस्तों ये जो दोनों हाउसेस होते हैं दोस्तों अगर ये हाउस इस कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करते हैं 2/3 मेजोरिटी से। ठीक है दोस्तों किससे 2/3 मेजोरिटी से यानी वहां पे जो सिटिंग एंड वोटिंग वाले लोग हैं वह अगर 2/3 मेजोरिटी से वोट कर दे तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो दोस्तों उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कहते हैं दोस्तों कठोर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों यानी कि दोस्तों इंग्लिश में कहूं तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों दूसरे हाथ पे कोई दोस्तों ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें दोस्तों हमें जरूरत देखो इसमें तो हमें कितने की जरूरत पड़ रही है दोस्तों 66% लोगों की कि वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वहां पे वो 66% लोग जो है वह वोट करें अमेंडमेंट के फेवर में तब जाकर अमेंडमेंट होगा अदरवाइज अमेंडमेंट नहीं होगा। लेकिन हम लोग लचीला संविधान उस देश का कहते हैं जहां पे ना दोस्तों बस आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी वोट कर दे अमेंडमेंट के फेवर में। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का दोस्तों मतलब होता है दोस्तों मोर देन 50%। अगर मोर देन 50% लोगों ने वोट कर दिया अमेंडमेंट के फेवर में यानी कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा में अगर वो टोटल लोग उनमें से 50% लोग अमेंडमेंट के पक्ष में वोट कर देते हैं तो दोस्तों ऐसा जो संविधान ऐसे देश का जो संविधान दोस्तों कहलाता है वह कहलाता है दोस्तों लचीला संविधान। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों ऐसा देश जिसके संविधान में संशोधन मात्र 50% से ज्यादा के लोगों की स्वीकृति से हो सकता हो तो ऐसे देश के संविधान को दोस्तों हम लोग लचीला संविधान मानते हैं। और दोस्तों ऐसा संविधान ऐसे देश का संविधान जिसके संविधान में संशोधन करने के लिए हमें आवश्यकता हो 66% लोगों की स्वीकृति की। ठीक है दोस्तों और ये 66% लोगों की स्वीकृति ये कौन से लोग होंगे दोस्तों जो आपके दोनों हाउस में बैठते हैं दोस्तों निम्न सदन में और उच्च सदन में। ठीक है दोस्तों यानी कि कठोर संविधान हम लोग ऐसे संविधान को कहेंगे जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए हमें दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता हो। और दोस्तों लचीला संविधान दोस्तों हम उस देश के संविधान से कहेंगे
जिसमें दोस्तों हमें अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता हो। स्पेशल मेजोरिटी दोस्तों हम बोलते हैं तब जब दोस्तों 50% से ज्यादा लोग वोट देते हैं इन द फेवर ऑफ अमेंडमेंट, तो इसे कहते हैं दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी। अगर दोस्तों 66% से ज्यादा लोग वोट देते हैं तब जाके अमेंडमेंट स्वीकृत होता है। तो दोस्तों ऐसे मेजोरिटी को हम लोग कहते हैं दोस्तों एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसे आशा करता हूं कि जो दूसरा नोबल फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यह भी आपको समझ में आया होगा। मेरे द्वारा यह जो मेहनत है वह वसूल की हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो मैं आपको तीसरा फीचर दोस्तों अभी आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, यह होगा दोस्तों सेकुलर स्टेट। ठीक है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों तीसरा फीचर जो हमारा दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, इसने जो हमारी स्टेट को अनाउंस किया है दोस्तों वह किया है सेकुलर। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों पंथ निरपेक्ष राज। तो दोस्तों हमारा जो भारत देश है दोस्तों यह एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह एक सेकुलर स्टेट है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। देखो दोस्तों, अगर हम लोग वर्ड पे ध्यान दें सेकुलर पे, तो दोस्तों इसका इंग्लिश में मतलब होता है बीइंग सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, यानी कि रिलीजन से अलग होना। दोस्तों हम लोग सेकुलर स्टेट उन स्टेट से कहते हैं जो सेकुलर, जो कि रिलीजन से अलग होती है। चलिए दोस्तों मैं आपको और डिटेल में ले जाता हूं जिससे आप चीजों को और स्पष्ट रूप से समझ सको। देखिए दोस्तों, सेकुलर स्टेट हम लोग उन स्टेट से कहते हैं जो स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करती है। जैसे कि दोस्तों भारत में आप देखते हो चाहे मुस्लिम रिलीजन हो, चाहे हिंदू रिलीजन हो, चाहे सिख रिलीजन हो, हमारी भारत की सरकार किसी भी रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं करती है। इंटरफेरेंस दोस्तों करती है, कभी कभार करती भी है, लेकिन दोस्तों उसके लिए जो ग्राउंड होते हैं वह अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, उनकी बात दोस्तों हम लोग फंडामेंटल राइट में करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैंने आपसे कहा सेक्युलर स्टेट हम उस स्टेट से कहते हैं जहां पे जो गवर्नमेंट होती है वह किसी भी रिलीजन को ना तो प्रमोट करे और ना किसी भी रिलीजन में इंटरफेरेंस करे, वह रिलीजन को न्यूट्रल रहने देती है। वहां के लोगों के लिए वह रिलीजन इस तरीके से दे देती है जैसे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि सेक्युलर स्टेट हम लोग उस स्टेट से कहते हैं जो स्टेट रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, अब हिंदी में हम लोग सेक्युलर स्टेट को कहते हैं पंथ निरपेक्ष राज। आपको कई किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा धर्म निरपेक्ष राज, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने जब इस वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट किया तो दोस्तों इसके दो मीनिंग आए। एक मीनिंग था दोस्तों धर्म निरपेक्ष राज, दूसरा था दोस्तों पंथ निरपेक्ष राज। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने दोस्तों जो शब्द वहां से लिया है दोस्तों वह लिया है पंथ निरपेक्ष राज, क्योंकि ऐसा मानना था दोस्तों हमारे संविधान निर्माताओं का कि जो धर्म निरपेक्ष जो राज है इसमें जो शब्द है धर्म, जो कि लोगों के लिए भ्रमक भी हो सकता है, जो लोगों के लिए भ्रम में भी डाल सकता है दोस्तों, तो इसलिए जो शब्द अडॉप्ट किया गया दोस्तों यहाँ से वह क्या गया दोस्तों पंथ निरपेक्ष राज। तो दोस्तों मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्युलर स्टेट किससे कहते हैं। सेक्युलर स्टेट का सिंपल सा मीनिंग है एक ऐसा स्टेट जो कि रिलीजन में इंटरफेरेंस ना करे, जिस तरीके से रिलीजन अपने आप को प्रैक्टिस कर, अपने आप को प्रैक्टिस वहां रिलीजन के लोग कर रहे हैं वह उनमें कोई भी हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में हस्तक्षेप किया जाता है अगर वह प्रैक्टिस दोस्तों कोई भी मोरालिटी के खिलाफ होती है या उस प्रैक्टिस में एनिमल सेक्रीफाइस होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं मान लीजिए हिंदू रिलीजन का हूं, अब मैं कहूं कि मेरे रिलीजन में ऐसे भगवान है, ये भगवान जो है वह एनिमल्स की बलि मांगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ दोस्तों मैं अपने फोर्थ फीचर पे आता हूं दोस्तों, जो कि होगा दोस्तों सरकार का संसदीय रूप, यानी कि दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, फोर्थ फीचर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों यह होगा दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए दोस्तों, मेनली
अच्छा हिंदी में भी लिख देता हूँ यार, आपको दिक्कत होती है तो। सरकार का संसदीय रूप, ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों देखो, इसको हम लोग समझते हैं संसार सरकार का संसदीय रूप, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब होता है देखिए दोस्तों, मेरे साथ एक चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट होती है दोस्तों, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दोस्तों, वह होती है दोस्तों आपके दो प्रकार की। पहली को दोस्तों हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और भी दोस्तों कई प्रकार की होती है दोस्तों,